हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप रेडमी मोबाइल में जो आप होम स्क्रीन सेटिंग देखते हो तो इस सेटिंग का कैसे आप यूज कर सकते हो, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे आपने होम स्क्रीन जो सेटिंग है उसका यूज आप कर सकते हो। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए चलिए अपने मोबाइल को देख सकते हैं, होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब इसके बाद आपको बताते हैं क्या करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इस वाले ऑप्शन पे जब स्वाइप करोगे अपने स्क्रीन पे, इसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन देखने को आ जाएगा। तो आपको इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपको डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ऑप्शन हमें देखने को आ जाएगा। अब इसके बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन इफेक्ट का ऑप्शन शो रहा है। तो अगर आप इस वाले ऑप्शन पे जाओगे, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर साइड का और टंबल पेज का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है और क्रॉस फेड का ऑप्शन देखने को आ रहा है। तो इसमें क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप जो है किस तरह का ट्रांजेक्शन लगाना चाहते हो अपने जो है स्क्रीन जो ऐप होता है। जैसे आप स्वाइप करते हो तो जैसे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का ऑप्शन, जैसे आप देख सकते हो ऊपर, तो कुछ इस तरह का ऑप्शन यदि आप जो भी लगाना चाहते हो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पर करोगे। इसके बाद चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं अब यहाँ से स्वाइप करेंगे कुछ इस तरह का हमारा जो है डाउन टाउन हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं इस तरह आपको कर लेना है जो भी आप ट्रांजेक्शन इफेक्ट लगाना चाहते हो अपने जो है ऐप को, मतलब स्वाइप करने के लिए जो अपनी स्क्रीन होती है तो आपको कर लेना है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है सेट डिफॉल्ट स्क्रीन। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको डायरेक्टली जब आप क्लिक करोगे, इसके बाद आप इस वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो आप में कुछ इस तरह का ऑप्शन आप में देखने को आ जाएगा। अब इसके बाद आप जो भी सेट डिफॉल्ट स्क्रीन जो लगाना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट कर दोगे। अगर आप इसमें सेलेक्ट कर लिए, मान लीजिए हमने इसमें सेलेक्ट कर दिया, अब इसके बाद क्या होगा, जैसे हम किसी गैलरी को अपने ओपन करेंगे डायरेक्टली जब यहाँ पर कट करेंगे तो इस वाले ऑप्शन में आ जाएंगे जो डिफॉल्ट हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। इसके बाद यदि आप मोबाइल स्विच ऑफ करके या ऑन करके या ऑफ करके जब भी आप मतलब अपने मोबाइल को लॉक खोलोगे तो आपको जो आप डिफॉल्ट सेट किए होंगे वही डिफॉल्ट आपको देखने को आएगा। तो ऐसे आपको जो भी आपको करना है इसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है होम स्क्रीन लेआउट। तो इसका मतलब है कि जो वैसे आपका कोई ऐप है, मतलब कितने डिग्री तक आपका ऐप होना चाहिए। अगर आप 4x5 वाले ऑप्शन पे करोगे तो आप देखो कुछ इस तरह का होगा। अगर आप 5x5 वाले ऑप्शन पे कर लोगे इससे क्या होगा, जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे तो आपका जो ऐप है मतलब साइज बड़ा हो जाएगा। जो भी आपको अगर 5x5 करोगे तो आपका जो ऐप है साइड में मतलब बराबर हो जाएगा। जैसे ये ऐप जैसे मान लीजिए प्ले स्टोर है और हमारा यूट्यूब है, दोनों साथ में मिल जाएगा अगर आप इसमें सेलेक्ट करना चाहते हो। तो जो भी आपको करना है इस वाले ऑप्शन पे कर लेना है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है फिल सेल्स ऑन अनइंस्टॉल ऐप। तो इसका मतलब है कि अगर ये ऑप्शन यदि आप मतलब बंद कर दिए इससे क्या होगा कि यदि आप मतलब ऑप्शन या बंद कर दोगे तो इससे क्या होगा कि कोई अगर ऐप आप अनइंस्टॉल करते हो, जैसे मान लीजिए इस ऐप को हमने इंस्टॉल कर दिया, अब इसके जगह कोई नया ऐप आके हो जाएगा। जैसे कोई ऐप आप डिलीट कर देते हो तो यहाँ पर दूसरा ऐप आके ऐड हो जाएगा और जो खाली स्थान है ये मतलब भर जाएंगे। जैसे आपको कोई भी यहाँ पर मतलब यहाँ पर आपका ऐप है ये डिलीट हो गया या और कोई ऐप है तो आपका इस वाले जगह पे इस वाला ऐप यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको करना होगा। चलिए आगे हम आपको बताते हैं क्या करना है। इसके बाद देख सकते हैं जो भी यदि आप ये ऑप्शन फिल सेल्स ऑन अनइंस्टॉल ऐप को अगर आप ऑप्शन ऑन करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली ऑन कर दोगे तो जो भी ऐप है मतलब कोई ऐप डिलीट करोगे डायरेक्टली उसके जगह दूसरा ऐप आपका आ जाएगा। तो आपको एक कर लेना है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को आ रहा है लॉक होम स्क्रीन लेआउट। तो इसका मतलब है कि अगर ये ऑप्शन आप ऑन कर दोगे इससे क्या होगा कि जैसे आप कोई ऐप को अगर बदलना चाहते हो कि हम अपने ऐप को यहाँ रखेंगे तो आपका ऐप लॉक हो गया। जैसे आप देख सकते हो होम स्क्रीन लेआउट का ऑप्शन है, अगर आप लॉक कर दोगे तो ऐप को जैसे मतलब आप दूसरी जगह नहीं मतलब आप रख सकते हो, कोई भी ऐप यहाँ पर दूसरी जगह नहीं रख सकते हो। तो यही है इसका मतलब। अगर आप चाहते हो दूसरी जगह हमारा ऐप जाए तो आपको कर लेना है। तो ये ऑप्शन ऑन करोगे तो आप अपने जो ऐप को उठा के दूसरे जगह भी रख सकते हो। तो आपको जो भी सेटिंग करनी है आपको कर लेनी है। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं क्या करना है। तो इसके बाद आपके अपने मोबाइल का जो है सेटिंग को आपको डायरेक्टली ओपन कर लेना होगा। तो चलिए अपने मोबाइल के यहाँ पर देख सकते हैं हमने सेटिंग को ओपन कर लिया है। इसके बाद आपको अपने होम स्क्रीन वाले ऑप्शन पे आपको आ जाना है। जैसे आप देख सकते हैं हम अपने होम स्क्रीन वाले ऑप्शन पे आ गए। इसके बाद हमें कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को आ रहा है डिफॉल्ट लॉन्चर। तो इस वाले ऑप्शन पे यदि आप क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को आ जाएगा। अब इसके बाद कोई भी यदि आप लॉन्चर मतलब कोई भी यदि आप ऐप जो कोई फंक्शन होता है उसे यदि आप यहाँ पर दे सकते हैं लाइट मोड वाले ऑप्शन पे करोगे तो ये सेम प्रोसेस होगा कि आपका जो ऐप है बड़ा बड़ा साइज देखने लगेगा। अगर ये सिस्टम लॉन्चर आप लगाना चाहते हो तो हम नहीं लगाना चाहते, अगर आप लगाना चाहते हो तो लाइट मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और ऑन करोगे तो आपने कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को आएगा और आपका ऐप साइज बड़ा हो जाएगा। कुछ आपका जो है डिफॉल्ट जैसे स्क्रीन में जाओगे
तो जैसे आपका कोई मतलब ऐप लिखा होगा तो आपको बड़ा साइज दिखेगा और ब्लैक, ज्यादा ब्लैक हो जाएगा। तो वैसे आपको कर लेना है, यदि आप लगाना चाहते हो तो आप लगा लीजिएगा, तो हम नहीं लगाना चाहते, जैसे आप दे सकते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है होम स्क्रीन, तो होम स्क्रीन वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आ जाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ऑप्शन हमें देखने को आ जाएगा। इसके बाद यदि आपका क्लासिक पे सिलेक्ट होगा, इससे क्या होगा कि जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ड्रॉ का ऑप्शन नहीं आएगा डायरेक्टली, जैसे आप ड्रॉ में देखते होगे ड्रॉ का ऑप्शन नहीं देखने को आएगा। जैसे आप देख सकते हैं अगर आप ड्रॉ का ऑप्शन जो है आप लाना चाहते हो तो बीट ऐप ड्रॉ वाले ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट करोगे, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रॉ का ऑप्शन हमें देखने को आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं आपको ड्रॉ का ऑप्शन देखने को आ जाएगा। तो वैसे आपको ड्रॉ वाले ऑप्शन पे कर लेना है। इसके नीचे कुछ सेटिंग है जिसको आपको मालूम करना होगा जरूर। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐप सजेशन का ऑप्शन देखने को आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आप कोई ऐप मतलब मान लीजिए ये ऑप्शन आप ऑन करोगे, जब आप ड्राइवर वाले ऑप्शन पे यहाँ पर जाओगे, जैसे यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पे जाओगे, तो ऐप जो है आपके सजेशन में देखने लगेंगे जो भी ऐप होंगे। अगर आप इंस्टाग्राम सर्च करोगे तो यहाँ पर इंस्टाग्राम सजेशन में आने लगेगा, जैसे आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए डायरेक्ट हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर ऐप देख सकते हैं सजेशन में आने लगेगा। अगर ये ऑप्शन यदि आप बंद कर दोगे जो ये वाला ऑप्शन है सजेशन वाला, तो ऐप जैसे मान लीजिए अब आप दोबारा आप जाओगे तो सजेशन में जैसे हम सर्च करेंगे तो ऐप नहीं आएंगे, जैसे आप देख सकते हैं वो ऐप नहीं आ रहा है। तो आपको एक कर लेना जो भी आपको सेटिंग करनी हो। तो चलिए आगे हम आपको बता दें क्या करना होगा। इसके बाद आपको यहां पर देख सकते हैं मैनेज ऐप कैटेगरी का ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, इसके बाद आप देख सकते हैं आपने कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को आ जाएगा। इसके बाद आपको कह रहा है कि जैसे आपको जैसे मान लो हम आपको दिखा दें, जैसे आप यहाँ पर ऑप्शन में आते हो तो आपको यहाँ पर जैसे इंटरटेनमेंट फोटोग्राफी टूल्स का ऑप्शन देखने को आ रहा है। अगर ये ऑप्शन आप हटाना चाहते हो मतलब ऐसे मान लीजिए आप ये चाहते हो कि हम ऑप्शन नहीं देखना चाहते, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे करके आपको टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे कैटेगरी डिलीट भी कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हैं आप डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन है। तो जो भी आपको करना डायरेक्टली आपको कर लेना है। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं क्या करना होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को आ रहा है। तो आप इस बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे, इसके बाद हमें कुछ इस तरह का ऑप्शन हमें देखने को आ जाएगा। अब इसके बाद यदि आप चाह रहे हो कि जो हमारा बैकग्राउंड मोबाइल का वो लाइट हो या डार्क हो, जो भी आपको सेलेक्ट करना होगा आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। अगर आप डार्क करना चाहते हो तो आप डार्क वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करके और यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी कैपेसिटी है मतलब जो ड्रॉप बैकग्राउंड है आप उसे कम तेज जो भी आपको सही लगे आपको डायरेक्टली आपको कर लेना है। इसके बाद आपको अप्लाई कर देना है। इसके बाद जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो डायरेक्टली यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। तो जो भी आपको करना है बैकग्राउंड आपके ब्लैक लगाना हो या डार्क लगाना या ऑल्टो लगाना, जो भी आपको करना है आपको डायरेक्टली आपके अपने हिसाब से कर लेना है। इसके बाद आप दे सकते हैं स्कोलर बार का ऑप्शन है, तो इस वाले ऑप्शन पे यदि आप जाओगे, इसके बाद यहाँ पर दे सकते हैं आपको यहाँ पर ए टू जेड का ऑप्शन है। यदि एज वाले ऑप्शन पे आप सेलेक्ट करोगे, इससे क्या होगा कि जैसे आप मान लीजिए हम ड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाते हैं, तो जैसे आप दे सकते हैं आपको ए बी सी डी ई एफ जी या चाहिए के एल एम एन जो भी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को आ रहा है, जेड तक आपको ऐसे करोगे ऐप को आप एकदम ढूंढ लोगे जो भी ऐप को आप चाहते हो। अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर हम इस वाले ऑप्शन पे आके और यहाँ पर हम ओरिजिनल लेआउट वाले ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा जो ए बी सी डी को जो ऑप्शन है देखने को नहीं आएगा। तो जो भी आपको सेटिंग करनी हो आपको डायरेक्टली जाके और आपको जो भी आपको सेलेक्ट करना हो आपको डायरेक्टली आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर प्लेस न्यू ऐप ऑन द होम स्क्रीन, इसका मतलब है कि जैसे आप कोई ऐप मतलब डाउनलोड करते हो तो नया ऐप डाउनलोड करते हो, यदि आप चाहते हो कि डायरेक्टली जो हम ऐप डाउनलोड करें हमारे स्क्रीन में शो हो, तो आपको डायरेक्टली इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर डायरेक्टली आपको ऑन कर देना है। अगर नहीं चाहते हो तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं इन ऐप क्वेयर मोड का ऑप्शन है, तो इसका मतलब यह है कि जैसे कॉन्टेक्ट जैसे आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को ऑन करोगे, तो जैसे आप देख सकते हैं आपका जो ट्रिम कंडीशन जो ऐप है मतलब बड़ा साइज ये भी देखने को आएगा। सेम प्रोसेस है जो भी है, अगर आप ऑप्शन इनेबल करोगे तो कंडीशन में ऐप को आपको देखने को आएंगे और आप क्वेयर मोड में आ जाएंगे ऐप। तो आपको जो भी करना आपको कर लेना है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ओपन सर्च आफ्टर ओपनिंग ऐप ड्राइवर, अगर ये ऑप्शन पे ऑन कर दोगे तो इससे क्या होगा कि जैसे आपको यहाँ पर ड्राइवर वाले ऑप्शन पे जाओगे तो ऐप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का ऑप्शन हमें देखने को आएगा। तो ऐप ड्राइवर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पर देखने को आएगा और यहाँ पर ऐप को सर्च भी कर सकते हो, कुछ इस तरह का ऑप्शन हमें देखने को आएगा। जो ऐप ऑप्शन है ऐप ड्राइवर की यही सेटिंग है, तो आप समझ लीजिएगा सेटिंग करके। जैसे आप देख सकते हैं जो हमने बताया ओपन सर्च का ओपनिंग ऐप ड्राइवर का ऑप्शन आपने देखने को आएगा। अगर आप इसे क्लासी लगा दोगे तो ऐप ड्राइवर का ऑप्शन नहीं आएगा। तो जो भी आपको सेटिंग करनी है इसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको चलिए आगे हम आपको बताते हैं क्या करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं आइकन साइज का ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे आप जाओगे। इसके बाद यदि आपका अपने जो ऐप का जो अपने मोबाइल का जो भी ऐप है अगर आप साइज को बड़ा करना चाहते हो, जैसे आपको चाहते हो कि जो हमारा ऐप का साइज है बड़ा हो, जैसे आप देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन करोगे, जैसे आप देख भी सकते हो इस साइज कम छोटा बड़ा जो भी आपको सेलेक्ट करना है आपको डायरेक्टली साइज को आपको डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेना है, जैसे आप जो भी करना चाहते हो। इसके बाद आप देख सकते हो ये वाली सेटिंग आपने कर ली है।
इसके बाद यहाँ पर दे सकते हैं ग्लोबल आइकन एनिमेशन, तो इसका मतलब है कि आप दे सकते हैं नीचे लिख क्या रहा है रेंडर एनिमेशन ऑन थर्ड पार्टी ऐप आइकन, तो इसका मतलब है कि अगर कोई आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कहीं से डाउनलोड करते हो अपने जो है मोबाइल में या कहीं, तो आपके जो है स्क्रीन पे शो हो कि नहीं, अगर आप चाहते हो कि जो हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करें हमारे जो है मोबाइल के जो है रेडमी मोबाइल है उसके स्क्रीन में शो हो तो आपको डायरेक्टली इसे ऑन कर देना, अगर आप चाहते हो नहीं शो हो तो आपको डायरेक्टली इसे ऑफ कर देना है, तो जो भी आप सेटिंग करना चाहते हो आपको डायरेक्टली कर लेना है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को आ रहा है शो मेमोरी स्टेटस, अगर ये ऑप्शन आप ऑन कर दोगे इससे क्या होगा कि आपका जो मोबाइल का स्टोरेज पूरा आपको दिखाएगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टोरेज दिखाने को आ रहा है, अगर ये ऑप्शन अगर शो मेमोरी वाला स्टेटस वाला ऑप्शन यदि आप ऑफ कर दोगे तो आपको यहाँ पर स्टोरेज का ऑप्शन आप में नहीं देखने को आएगा जैसे आप देख सकते हैं, तो आपको डायरेक्टली इस वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है, तो आपको ऑन कर देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्लर ऐप प्रीव्यू का ऑप्शन देखने को आ रहा है, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको डायरेक्टली सेलेक्ट करोगे, इसके बाद यहाँ पर कुछ आपके मोबाइल में जितने भी ऐप होंगे यहाँ पर देखने को आ जाएंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि जैसे आप मान लीजिए अपने गैलरी को यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर ऑन कर दोगे इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अपने हम गैलरी को यहाँ पर ओपन कर देते हैं, ओपन करने के बाद हम यहाँ पर कट कर देते हैं, इसके बाद डायरेक्टली हम जब इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो हमारी गैलरी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लर का ऑप्शन देखने को आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं आपको भी ब्लर का ऑप्शन यहाँ पर देखने को आ जाएगा। तो आपको यदि आप चाहते हो किसी भी ऐप को हम जब ओपन करें जब इसे आप डायरेक्टली हम रिसेंट वाले ऑप्शन में जाएं तो हमारे यहाँ ब्लर हो जाए, तो आपको ये सेटिंग करनी है, आपको डायरेक्टली ऑन कर देनी। तो जो भी आपको सेटिंग करनी है अगर आप चाहते हो किसी ऐप को हम ओपन करें जब हमारा ऐप रिसेंट बार में जाए जैसे हम डिलीट करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह का ब्लर का ऑप्शन आ जाए, तो आपको जो भी करना होगा आपको डायरेक्टली आपको कर लेना, हमने आपको बता दिया आपको जो भी करना है आपको कर लेना। चलिए आगे हम आपको बताते हैं क्या करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आप में देखने को रहा है शो सजेशन का ऑप्शन देखने को आ रहा है, अगर ये ऑप्शन ऑन कर दोगे इससे क्या होगा कि आपको जो यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्लियर सिक्योरिटी स्कैन फाइंड और मैनेज ऐप का ऑप्शन देखने को आएगा, तो अगर ये ऑप्शन आप बंद कर दोगे शो सजेशन का तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं देखने को आएगा क्लियर डाटा, तो आपको डायरेक्टली इसे ऑन कर देना होगा। इससे क्या होगा कि आपके बहुत फायदे होंगे और यहाँ से आप क्लियर डाटा सब भी कर सकते हो क्लियर कर सकते हो जैसे आप देख सकते हो, तो ऐसे ही आप देख सकते हैं ऐसे ही आप सब सेटिंग सीख सकते हो जो हमने बताई है अपने रेडमी मोबाइल में जो होम स्क्रीन है, तो ऐसे ही आप सेटिंग को यूज कर सकते हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।